और अब रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। रोहतक से बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस का कार्यकर्ता सम्मेलन है आज। बड़ी खबर रोहतक से, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। आज कार्यकर्ताओं का सम्मेलन, दीपेंद्र हुड्डा समेत कांग्रेस के दूसरे बड़े नेता इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। रोहतक में ही कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया है कांग्रेस पार्टी का, जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा तमाम कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। और आप देखिए, कार्यक्रम के पोस्टर से लेकर तैयारियों तक कहीं पर भी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर का नाम नहीं। आम जानकारी के साथ संवाददाता हर्षवर्धन हमारे साथ जुड़ गए हैं। हर्षवर्धन, तैयारियां कर ली गई हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के, कहा जाए कि एक तरीके से नेतृत्व में ये कार्यक्रम हो रहा है, और कांग्रेस के तमाम अन्य बड़े नेता इसमें आएंगे या यहां पर भी गुटबाजी नजर आएगी इस कार्यक्रम में भी? बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरीके से जो है प्रदेश कांग्रेस की तरफ से आज जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ पर जो है और उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा एक कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन करने जा रहे हैं, और नई अनाज मंडी के अंदर ये सम्मेलन होगा। लेकिन दूसरी बात की जाए तो इसके अलावा 18 अगस्त को जो है परिवर्तन रैली भी जो है वो रख दी गई है, क्योंकि साफ तौर पे जो कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है कांग्रेस हाईकमान के ऊपर ये दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर उन्हें सार्वजनिक सम्मान तौर पर नहीं कांग्रेस के अंदर कोई पद दिया गया तो वो जो है 18 तारीख को परिवर्तन रैली के अंदर नई पार्टी की घोषणा भी कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल। और हर्षवर्धन, ऐसे में देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी के अंदर का जो घमासान है वो अब कहीं ना कहीं अब एक उग्र रूप ले रहा है। एक तरफ हाईकमान है जो हरियाणा कांग्रेस के अंदर जो भी चल रहा है उस ओर ध्यान नहीं दे रहा, वहीं दूसरी तरफ भूपेंद्र हुड्डा अब कहीं ना कहीं अब सख्त हो चुके हैं कि अगर उन्हें हाईकमान की ओर से कमांड मिलती है तो ठीक, अन्यथा वो अपनी राजनीति कर ही रहे हैं। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सही तवज्जो नहीं मिलती है कांग्रेस पार्टी के अंदर तो बिल्कुल वो जो है 18 तारीख को नई जो है पार्टी है उसका गठन कर देंगे। आज इस तरीके से कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाने का ये साफ तौर पे सिर्फ कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन है। भूपेंद्र हुड्डा ये दिखाना चाह रहे हैं हाईकमान को कि अभी भी जो है प्रदेश के अंदर जो है उनका रुतबा कायम है, अगर कहीं हाईकमान ने उन्हें नजरअंदाज करने की कोशिश की तो इसका खामियाजा विधानसभा चुनाव के अंदर वो जरूर भुगतवा देंगे। जी शुक्रिया हर्षवर्धन आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, ये जो कार्यक्रम है ये कितनी बड़ी भूमिका अदा करेगा। 18 तारीख को परिवर्तन रैली भी आयोजित की गई है, और आज तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपना शक्ति प्रदर्शन करते हुए